नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनए न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिनभर की प्रमुख खबरों की तरफ। कांग्रेसियों ने मिठाई बांटकर राजस्थान में कांग्रेस की जीत की मनाई खुशियां। उक्त मिठाई वितरण का कार्यक्रम आज जिला कांग्रेस के तत्वाधान में स्थानीय जयस्तंभ चौराहे पर रखा गया, जहां कांग्रेस जनों ने राहगीरों को मिठाई बांटकर राजस्थान की 2 लोकसभा एवं 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस की हुई प्रचंड बहुमत से जीत की खुशियां मनाई। साथ ही नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष सुनील मालवीय ने आगामी चुनाव में भी कांग्रेस की जीत का दावा किया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे, साथ ही खुशी के जश्न में झूमते हुए दिखाई दिए। आज ये मिष्ठान वितरण स्थानीय जयस्तंभ चौराहे पर जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में कल राजस्थान की जनता ने जो 2 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा पर प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जो राजस्थान की जनता ने समर्थन दिया है, उसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के सभी संगठनों ने एक आयोजन कर यह मिठाई का गरीबों में वितरण किया। और इस उम्मीद के साथ कि 24 फरवरी को कोलारस और मुंगावनी में जो श्रीमान सिंधिया के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी विजय श्री हासिल करेगी और 2018 का जो चुनाव होगा उसमें प्रदेश की जनता की, किसान की, मजदूर की, दलित की, मुस्लिम की, सर्वहारा वर्ग की एक सरकार श्रीमान सिंधिया के नेतृत्व में बनेगी, ऐसी हम यहाँ कामना करते हैं। और 28 तारीख को जो परिणाम कोलारस और मुंगावली के आएंगे, उसकी खुशी में लक्ष्मी नारायण मंदिर पर विशाल भंडारा होगा, जिसमें शहर के गरीबों को भोजन वितरण और मिष्ठान वितरण किया जाएगा 28 तारीख को। बहुजन समाज पार्टी गुना इकाई के तत्वाधान में जिला संगठन समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले भर से विभिन्न सेक्टरों में बांटकर उन सेक्टरों के अनुसार पदाधिकारियों को कार्य करने के निर्देश दिए गए। साथ ही बताया गया कि 1 विधानसभा क्षेत्र में 4 से 5 सेक्टर में बांटा जा रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी व गण उपस्थित रहे। आज बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई गुना के तत्वाधान में जिला संगठन समीक्षा मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले में सेक्टरों में विभाजित कर उनको अलग अलग जोनों में बनाया जा रहा है। 1 विधानसभा के 5 जोनों में या 4 जोनों में बांटा जा रहा है। तो इसके संबंध में समस्त कार्यकर्ताओं को आज बताया जा रहा है कि जोन में बांट कर और जोन स्तर पर ही उसकी मीटिंग होगी। आज महुगढ़ा के समीप स्थित तेंदुपत्ता के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। घटना विगत रात लगभग 3 बजे की बताई जा रही है, जिसके बाद सूचना मिलते ही दमकल विभाग एवं डायल 100 मौके पर पहुंच गई थी, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, साथ ही किसी प्रकार की जनहानि की सूचना भी यहाँ से प्राप्त नहीं हुई।
लास्ट में वीडियो कहाँ भी देखेगी ये बता यार, आप देखना यूट्यूब पे। यूट्यूब पर रात को दो ट्रक भरे थे केंद्र पत्ता के, ट्रक भरा लेबरों ने भरा ट्रक, और इसके बाद वो लेबर यहीं सोई। और रात को क्या हुआ कि वो 2 बजे के आसपास इनको आग सी दिखी एकदम अंदर गोदाम में। चौकीदार ने मुझको फोन लगाया, हमारा जो चौकीदार है, मैं आया वहीं से फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किए मैंने, फायर ब्रिगेड वाली आई, कम से कम 3 फायर ब्रिगेड आई थी। तब कितने बजे घटना है जी? रात के लगभग 3 बजे 2:45 बजे। तो कुछ कारण पता लगा इसका? कारण कुछ नहीं पता, पता यही अंदाज लगा सकते हैं कि लेबर पत्ता भर रही थी गोदाम में से ही, या तो किसी ने गलती से बीड़ी बीड़ी एक का गुल गिर गया, अब धीरे धीरे सुलगती सुलगती गई जब रात को तेज हुई, जब दिखी इन लोगों। लगभग रात में 5 ब्रेड कितने बजे तक पहुंच गई थी? वो पहुंच गई थी 3:30 बजे। ना जहाँ मैं कमरा में अंदर सो रहा था, 2:30 बजे के लगभग मुझे एक पत्ता भरे भारे जो हमाल है उनने जगाया था, जो गाड़ी वाड़ी सब जमीन पास ला कर जिनने बोले कि चौकीदार उठो आग लग गई। तो मैंने जो सोची कि नर्सरी में लग गई, तब नर्सरी में देखी तो मुझे गोदाम में लगी मिली। फिर मैंने है ना 100 नंबर पर ना फोन लगाया, फिर 100 नंबर की है ना जो वहाँ से गाड़ी आई पुलिस की, और फिर पानी की गाड़ी आई, मैंने गेट खोल दिया, गेट खोल के नहीं फिर बजाने लग गए। क्या आज पुलिस की विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत शहरी समुदाय के आवेदकों की भर्ती की गई। इस मौके पर भर्ती में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में शहरी समुदाय के युवाओं ने हिस्सा लिया, जिनका फिजिकल आज यहां पर किया गया। साथ ही इस भर्ती के संबंध में एडिशनल एसपी सत्येंद्र सिंह तोमर ने मीडिया को जानकारी से अवगत कराया। या फिर शाम के टाइम आ जाना 5-5 बजे के। क्या नाम है? आनंद। आनंद सर, ये कार्यक्रम क्या चल रहा है? ये भर्ती चल रही है, शहरिया भर्ती है, विशेष भर्ती अभियान था, उसके तहत आज इनका दस्तावेज परीक्षण और मापदंड हो रही है। श्रीमती कंचन देवी, रतनलाल लाहौटी, परमार्थिक लोक न्यास गुना द्वारा आज हायर सेकेंडरी स्कूल गुना एवं कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल गुना में शीतल जल के प्याऊ का लोकार्पण किया गया। यहाँ प्याऊ का लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा उपस्थित रहे, जिन्होंने फीता काट कर इसका शुभारंभ किया। साथ ही नगरवासियों की ओर से लाहौटी परिवार को इस पुनीत कार्य के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित की। कपड़े काटने वाली नहीं, ये बहुत अच्छा। प्रस्ताव भेजो, भेजो आपको भेजो, मेरे पास राशि है, कर देंगे इसमें बहुत सुंदर से बढ़िया, और क्या दूर हो जाएगी। और ये आपकी बहुत बड़ी समस्या है, उस स्कूल की बहुत बड़ी समस्या है आपकी, ये तो आपकी बहुत बड़ी समस्या है।
एक अच्छे कार्य के लिए स्वर्गीय कंचन देवी रतनलाल लाहोटी जी के परिवार द्वारा दो वाटर कूलर छोटे छोटे बच्चों के लिए गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में और हायर सेकेंडरी स्कूल में कंप्लीट कराकर उसकी फिटिंग करा के बाकायदा मार्बल टोटी लगाकर हमारे विद्यालयों को दोनों को गिफ्ट किए हैं। मैं नगरवासियों की ओर से परिवार को बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि शहर में आप समाज सेवी के रूप में आप हमारे डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं और डॉक्टर साहब ने पूर्व में भी कई स्थानों पर ऐसी व्यवस्थाएं की हैं। मेरी ओर से नगरवासियों की ओर से शुभकामनाएँ बधाई और माताजी और पिताजी की याद में ये आज दोनों वाटर कूलर चालू हो रहे हैं। बहुत जल्दी हम जज्जी में भी एक पार्क बना रहे हैं 10,000 फुट का माताजी और बाऊजी के नाम से, परिषद में इसी परिषद में लेके आ रहे हैं। एक सुंदर पार्क बाऊजी और माताजी के नाम से हम शुरू करने वाले हैं और मैं अपनी ओर से नगरवासियों को से पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। म्याना क्षेत्र में रोड बनाते बनाते भागी लेबर परेशानी, राहगीरों को उठानी पड़ी। सीसी रोड पर मुरम और मिट्टी डालकर लौटे नहीं ठेकेदार। प्राप्त जानकारी के अनुसार म्याना से बाजितपुरा तक बनाई जा रही सीसी रोड का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, जिसके कारण राहगीरों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नई सराय से लेकर रुसल्ला छापर तक लगभग 5 किलोमीटर रोड का नवम्बर में ही बनकर तैयार हो गई थी और सीसी रोड की ढलाई के लिए उस पर कॉन्क्रीट युक्त मुरम भी डाल दी गई, जिससे कि रोड पक्का हो सके। वहीं सूत्रों की माने तो लेबर को समय पर पेमेंट नहीं होने के कारण लेबर भाग गई और 3 महीने से नई सराय से रुसल्ला छापर तक मार्ग पर मिट्टी कंकड़ डले हुए हैं, जिसके कारण वाहनों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। गौरतलब है कि म्याना से लेकर नई सराय तक की रोड 1 साल पहले ही खोद दी गई थी और अभी तक इसका कार्य पूरा नहीं हुआ। इसी तरह बीच बीच में रोड पर पुलिया भी खोद कर डाल दी गई है और कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, जबकि टेंडर के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि इसी वर्ष मार्च माह तक है। वहीं खराब रास्ता होने के कारण नई सराय जाने के लिए छापर से गुरैया होते हुए नई सराय जाना पड़ता है। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।